দেখো বৃষ্টি গতকাল রাতে স্থানীয় সূত্রে পুলিশ খবর পায় এবং খবর পেয়ে বেলগুড়িয়া থানার পুলিশ পুরো পরিত্যক্ত বাড়িটিতে তল্লাশি চালায় এবং সেখান থেকে 14টি তাজা বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। এবং গতকাল রাতেই বেলগুড়িয়া থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তল্লাশি চালায় এবং যেটা জানা যাচ্ছে যে মাসখানেক আগে এই বাড়িতে একজন ব্যক্তি ভাড়া থাকতেন এবং তারপর থেকে এই বাড়িতে কেউ থাকতো না, পরিত্যক্ত বাড়ি বলেই পুলিশ জানাচ্ছে এবং সেখান থেকে 14টি তাজা বোমা উদ্ধার হয়েছে এবং পুলিশ যে ব্যক্তি ভাড়া থাকছে তার খোঁজ চালাচ্ছে। কিন্তু এলাকার মানুষ যথেষ্ট আতঙ্কিত, তাদের বক্তব্য যে এতগুলো বোমা এখানে মজুদ দেখা যাচ্ছে, যে কোনো সময় বড় ধরনের বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটতে পারত, সেই কারণে তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। বোমাগুলো পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে গেছে, এখন চায় কে বা কারা বোমা রেখেছিল সেগুলো পুলিশ চালাচ্ছে। পুলিশ বৃষ্টি ধন্যবাদ সমীরণ। জম্মু এয়ারফোর্স স্টেশনে বিস্ফোরণ, জখম দুজন, বিমানবন্দরের টেকনিক্যাল এরিয়ায় বিস্ফোরণ ঘটে এবং এই ঘটনায় দুজন জখম হয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। রাত দুটো নাগাদ পরপর দুটি বিস্ফোরণ হয়, পিটিআই সূত্রে খবর। বিস্ফোরণে জঙ্গি যোগ কিনা তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা, ঘটনাস্থলে বম ডিসপোজাল স্কোয়াড, ফরেন্সিক টিম। বিস্তারিত জানিয়েছে আমাদের প্রতিনিধি অজয় বাচলু। अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये एयरफोर्स स्टेशन है, ये वही टेक्निकल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है जहां पर वायुसेना का बड़ा स्टेशन है और इस स्टेशन में न केवल वायुसेना के अपने एसेट्स और मशीनरी लगी है बल्कि इसके अंदर आवास भी हैं। जो लोग यहां काम कर रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हैं या चाहे वो स्टाफ हैं, इनके क्वार्टर्स भी हैं। तो इसी एयरफोर्स स्टेशन के भीतर रात करीब 2 बजे एक धमाका सुनाई देता है जिसके बाद यहाँ पूरा अमला हरकत में आ जाता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे वो वायुसेना के अधिकारी हो या सेना के अधिकारी हो, तो सारे लोग इस एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जाते हैं और लगातार तब से इस ब्लास्ट की जांच की जा रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस आधिकारिक तौर पर इस धमाके पर अभी तक कुछ नहीं कह रही है, लेकिन जो मेरी जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों से बात हुई है उन्होंने दो अहम बातें कही हैं। एक कि ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट जो है बिल्कुल एयरफोर्स स्टेशन के अंदर से हुआ है और दूसरा जम्मू कश्मीर पुलिस इस घटना में आतंकी एंगल से भी इनकार नहीं कर रही है क्योंकि लगातार अगर हम पठानकोट के बाद देखें, पठानकोट में जिस तरह से एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ था उसके बाद से लगातार एयरफोर्स स्टेशन जो हैं वो पाकिस्तान के निशाने पर हैं। हालांकि सुरक्षा किस तरह की है, किस तरह के व्यापक सुरक्षा इंतजाम इस एयरफोर्स स्टेशन के बाहर रहते हैं ये आप टीवी स्क्रीन पर देख सकती हैं। यहाँ पर बैरिकेडिंग की जा रही है, किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती है। तो ऐसे में अगर ये ब्लास्ट अंदर हुआ है और इस ब्लास्ट का सामान अंदर कैसे पहुंचा यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लगातार यहां पर न केवल जम्मू कश्मीर पुलिस बल्कि दूसरे जांच एजेंसियां भी अंदर लगातार जा रही हैं और अंदर जो है इस जहां पर ब्लास्ट हुआ है वहां का मुआयना कर रही हैं और यहां पर पूरे फिलहाल रोड पर जो है, हालांकि ये रोड जो है ये आगे कुछ गाँव को भी कनेक्ट कर रहा है लेकिन आवाजाही बिल्कुल नाके बराबर है और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा दावा कि इस ये ब्लास्ट जो हुआ ये एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था और दूसरा इस ब्लास्ट से अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है आतंकी एंगल का भी जो है इनकार नहीं किया है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर ये धमाका अंदर हुआ तो ये हुआ कैसे और जो शख्स इस धमाके के लिए जो सामान लेके गया वो अंदर कैसे पहुंचा।